अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल। जो हम डेरिवेशन में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें मेन हमारे पास पावर रूल था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रूल, जो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने में यूज होता है। बेसिकली प्रोडक्ट रूल हमारे पास एक ऐसा फार्मूला कह सकते हैं या एक ऐसा रूल कह सकते हैं, जो कि हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उनका जब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है या हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो बजाय इसके कि हम उस होल फंक्शन को या उन जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें, एक फॉर्म बनाएं, उसके बजाय हम ये रूल यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास एक ईजी वे में आ जाता है। जब हमारे पास दो फंक्शंस हों, यू एंड वी, यहाँ पे आप एफ जी भी कह सकते हैं, यू वी भी कह सकते हैं, कोई और वैल्यूज भी कह सकते हैं सिवाय इंडिपेंडेंट टर्म्स के, जो कि हमारे पास फंक्शन में इंडिपेंडेंट टर्म्स गिवन होती हैं। तो यू एंड वी अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों और उनका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें, तो हमारे पास आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इस टर्म को पहले लिख के इसको सेकंड पे ले लें, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एंड देन प्लस के बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, क्योंकि हमारे पास एडिशन है, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लें देन सेकेंड का लें, या पहले सेकेंड का लें देन फर्स्ट का लें। बट बेसिकली बात यह है कि इस तरह ही सॉल्व होता है। जब दो से ज़्यादा फंक्शंस आ जाते हैं तो हम उनका पेयर फॉर्म बना के उनको फिर हम सॉल्व करते हैं, उसमें हमें मोर देन वन टाइम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास y हो, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास ये फंक्शन है और एक हमारे पास ये फंक्शन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, इसका डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है। अब इसे हमने जो हमने प्रीवियस फार्मूला भरा है उसके हिसाब से अगर देखें, तो हम कहते हैं कि हम खुद से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट टर्म जो है 2x² प्लस 6x, ये u है, और ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास 2x³ प्लस 5x², ये v है। तो हमें पता है प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, डी यू वी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो अब हमारे पास ये फार्मूला है। अब अगर चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि ये फंक्शन एज इट इज़ रखें, इसका डेरिवेटिव लें, प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ रहें, इसका डेरिवेटिव लें, या फिर जिस तरह से यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या किया कि हमारे पास फार्मूला में डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है और डी यू बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जो हमने इंटर यू को सब्सटीट्यूट किया है 2x² प्लस 6x, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 4x प्लस 6 आएगा। अगर आपको ये क्लियर ना हो कि ये किस तरह से आया है, तो पिछली वीडियो जो हमारे पास प्रीवियस वीडियो है वो मैं आई बटन में गिवन कर दूंगी, उसको आप क्लिक करिएगा, उसको आप वॉच करिएगा, उसमें ये सारा मेथड इसका सॉल्व हुआ हुआ है डीपली। नाउ अब हमें डी वी बाई डी एक्स भी फाइंड करना है, तो ये जो हमारे पास v है इसका हम डेरिवेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आ जाएगा इस टर्म का हमारे पास पावर रूल लगेगा, तो 6x² और इसका जब पावर रूल लगेगा तो 10x आएगा, तो हमारे पास 6x² प्लस 10x हमारे पास आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन था, इस पे ये जब फार्मूला, क्योंकि सब्सटीट्यूट किया यू वाई को हमने यू इंटू वी की फॉर्म में लिख लिया, तो जब हम इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे, जो हमने कैलकुलेशन भी कर ली है इसको पुटिंग करेंगे, तो हमारे पास 2x² प्लस 6x इंटू 6x² प्लस 10x प्लस 2x³ प्लस 5x² इंटू 4x प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा। और जब हम
हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, अब हमें इस पे जो है वो हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। उसके लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आ जाएगी जो कि है 20x⁴ प्लस 88x³ प्लस 90x². इसी तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स आ जाएँ तो थ्री टर्म्स में हमें क्या करना होगा कि एक तो हम u एज इट इज़ करेंगे, v में हम दो टर्म्स ले लेंगे, या हम u में दो टर्म्स ले लेंगे और v में एक टर्म ले लेंगे। और उन दो जो हमारे पास एक टर्म होगी इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आ जाएगा, जो हमारे पास सेकंड टर्म जिसमें दो टर्म्स होंगी उस पे अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा और उसका अलग हमारे पास वैल्यू आएगी। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो सेम ऐसे ही होंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।